नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 के लिए जब से डेट जारी हुआ था तब से लोग परेशान थे कि डेट जारी हो गया है, सिलेबस छोटा किया नहीं है, डेट उसी टाइम से लिया जा रहा है और 4 महीने 3 महीने में क्या तैयारी होगा। तो बिहार बोर्ड ने आप लोगों की मनोकामना पूरी कर दी है। जी हाँ, जिसका आप सभी को इंतजार था वो अब पूरी हो गया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग यहाँ पर खुश हो सकें। बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ, सिलेबस जो हो गया है वो 50% छोटा हो गया है। इस बात की बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस हो गया है 50% छोटा। बम्पर धमाका हो गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। और सबसे पहले ये न्यूज़ देख रहे हैं अभिषेक ट्यूटोरियल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से शेयर कीजिए, अधिक से अधिक को शेयर कीजिए ताकि सब लोग को ये पता चल सके कि सिलेबस जो हो गया है वो 50% छोटा हो गया है। कैसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कौन से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में दिखा दूंगा कि सिलेबस जो हो गया है 50% छोटा हो गया है। क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, आप एकदम झूम सकते हैं खुशी से। अब आपको जो है बिल्कुल हाफ पढ़ना पड़ेगा, यानी 100% का जो सिलेबस था, एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का ही, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल हाफ। देखिए पूरी अपडेट मैं यहाँ पर आपको जल्दी से दे देता हूँ। जल्दी से डाउटमेंट, बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, नीट या क्लासिक से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनेट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डॉटनेट पर। साथ ही डॉटनेट पर क्लास 9वीं से बरहमी के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए ऐप को इंस्टॉल कीजिए। बिहार बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम हो रहा था जिसके अंतर्गत ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, उसमें जितना सिलेबस करवाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें जितना सिलेबस करवाया गया है उसी सिलेबस के अनुसार एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अब जब दूरदर्शन पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, छात्र जो है दूरदर्शन से तैयारी कर रहे थे, बिहार बोर्ड का यही मानना है कि दूरदर्शन पर उन्होंने क्लास करवाया, हालाँकि बहुत लोग किए, बहुत लोग नहीं किए। तो ऐसे में दूरदर्शन पर जब सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो सका है और फरवरी तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसे में बिहार सरकार का ये फरमान जारी हो गया है कि अब जो सिलेबस है, जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, यानी 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो सकता है, तो उसी 50% सिलेबस से ही एग्ज़ाम होंगे। सेंटर परीक्षा जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी आपको वही देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बस सेंटर परीक्षा जब देख आइएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस कैसे आपका 50% छोटा हो गया है। ठीक है, आप सोचिएगा सर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, बिहार बोर्ड कभी ऐसा नोटिफिकेशन सिलेबस को लेकर जारी नहीं करती है। पूरा डिटेल में बता, जो पूरी वीडियो देखेंगे वो पूरा डिटेल खुद समझ जाएंगे। देखिए, बिहार बोर्ड ने सेंटअप एग्ज़ाम के लिए खुद कहा कि जो सेंटअप एग्ज़ाम में जो पैटर्न होगा, ठीक है, वही पैटर्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम में होगा, सब कुछ वही है, ऑब्जेक्टिव का पैटर्न वही है, लेकिन सिलेबस जो हो गया है वो बिल्कुल बुक जो है हाफ पढ़ना है। सिलेबस 50% का मतलब ऐसा नहीं कि ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करेगी बिहार बोर्ड सीधा जो है बुक हाफ कर देगी। यानी शुरुआत के जो 50% सिलेबस है उस पर अब ज़्यादा फोकस करें। शुरुआत के जो 50% सिलेबस है, यानी कि बुक में अगर 10 चैप्टर है तो शुरुआत के 5 चैप्टर पे आप ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, कि उसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेंटअप एग्ज़ाम में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटअप एग्ज़ाम सभी कॉलेज जो है अलग अलग डेट में यहाँ पर लेगी। ठीक है, क्योंकि 14 अक्टूबर से शुरू होने वाला था, लेकिन अब कह दिया गया है कि सेंटअप एग्ज़ाम के लिए सभी कॉलेज जो है अपने अपने मन मुताबिक डेट से ले सकते हैं। तो आपके कॉलेज, आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज सेंटअप एग्ज़ाम कब ले रही है, वो आप स्कूल में या कॉलेज में जाकर आप कर सकते हैं। सिलेबस के लिए फिर से मैं बता दूं कि 50% सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।